मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी मोदी डूब मरो डूब मरो डूब मरो यूपी पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ यूपी पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ। स्वागत है आपका टीएच न्यूज 11 में। आप यूपी सरकार और वहाँ के प्रशासन से क्या कहेंगे? यूपी सरकार और वहाँ के प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी एक हमारी भारत की बेटी या हम सबकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है आज अत्याचार, वो किसी के साथ ना हो। और मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ की जितनी अगर गवर्नमेंट में जितने अच्छे अधिकारी बैठे हैं वो जल्द से जल्द एक्शन लें और उन लोगों को फांसी दें, दरिंदों को पूरा जल्द से जल्द फांसी दें, परिवार को उनकी सुरक्षा दें। यह बताइए, बहन मनीषा के आप लोग साथ दे रहे हैं, उसकी उनकी न्याय के लिए साथ दे रहे हैं, इसमें वहाँ की सरकार और प्रशासन के क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि उसके कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसा, ताकि भारत के कोई भी बेटी के साथ इतना माने घिनौना कार्य ना हो और दोबारा इस तरह का कोई माने कार्रवाई ना हो, उसको फांसी की सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके परिवार की सुरक्षा दी जाए। योगी सरकार हाय हाय, पुलिस हाय हाय, दरिंदों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो, योगी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, यूपी पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ये बताइए वहाँ के आप प्रशासन के क्या कहेंगे? पीड़िता के परिवार से वहाँ की मीडिया को नहीं मिलने दिया गया और वहाँ के प्रशासन द्वारा मीडिया को पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया गया, वहाँ की सरकार रातों रात जला दिया। हम संघ पंचायत अध्यक्ष है, हम यही कहना चाहते हैं कि वहाँ के पीड़िता को निकाल हाय हाय, योगी मोदी डूब मरो यूपी पुलिस होश में आओ यूपी पुलिस होश में आओ। वहाँ पर पीड़िता के परिवार से मीडिया को मिलने नहीं दिया गया और वहाँ पर उनका वकील जो मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिवार से मिलने भी जा रही थी पर वहाँ के प्रशासन मिलने नहीं दिया, उसमें आप क्या कहेंगे वहाँ के प्रशासन और वहाँ की सरकार को? हम वहाँ यूपी के सरकार को यही कहेंगे कि अत्याचार महिलाओं पर दलितों पर अत्याचार करना बंद करें और इस्तीफा देवे, सीएम पद से अपना इस्तीफा देवे मोदी अति जोगी और वहाँ के प्रशासन दुरुस्त किया जाए। वहाँ के प्रशासन मने हम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और देखते रह रहा है, इसलिए मैं वहाँ के प्रशासन को मुर्दाबाद और वहाँ के सरकार को मुर्दाबाद कहता हूँ। मनीषा के दरिंदों को फांसी का मांग कर रहा हूँ। यूपी सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बताइए यूपी में जो घटना घटी एक दलित परिवार की लड़की के साथ और वहाँ की सरकार रातों रात उस लड़की को जला भी दिए और फैमिली से मिलने भी नहीं दिया गया, ना ही मीडिया को और ना ही कोई बड़े पदाधिकारी जो उनके इंसाफ के लिए आ रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बेटी या दलित का हो या फिर मुस्लिम समाज का हो या कोई धर्म का हो, बेटी बेटी है और किसी के बेटी के साथ इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। योगी सरकार हाय हाय, यूपी पुलिस होश में आओ, दरिंदों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। यूपी में योगी सरकार जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूर होकर हम सब को मिलकर इस पर जो है आवाज उठाना पड़ेगा। आवाज उठाएंगे और उठाएंगे भी, आज नहीं तो कल, अगर इस तरह से रहा तो खुद हम लोग सब मिलकर जनता इस आवाज को उठाएंगे। दरिंदों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, ये बताइए यूपी पुलिस होश में आओ होश में आओ, यूपी पुलिस होश में आओ होश में आओ। मनीषा बहन के इंसाफ के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले एटीएच न्यूज के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग आवाज को पहुंचाने के लिए कोशिश आप कर रहे हैं। जिस तरह यूपी के बेटी के दरिंदों ने कार्य किया, उसको जिस तरह रंग दिया जा रहा है, वहाँ का पुलिस प्रशासन से बिल्कुल फेल है। हम चाहेंगे कि उसको यूपी पुलिस जल्द से जल्द न्याय मिले, यूपी पुलिस होश में आओ, अत्याचार बंद करो। केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग
आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं, दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि आप जल्द से एक्शन लें और वहां के प्रशासन को ठीक ठाक करें और उसको न्याय दे, फांसी दे। चलिए ठीक है।